हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन आर्मी ने जारी करी कोर कमांडर्स लेवल की चौथी मीटिंग की ऑफिशियल स्टेटमेंट। इस साल के अंत तक 83 LCA तेजस MK1A फाइटर्स की डील से पहले 16 FOC कॉन्फ़िगरेशन वाले तेजस फाइटर्स को भी मिल सकती है मंजूरी। रफेल फाइटर्स के स्पेयर्स और इंजन कंपोनेंट्स की भारत में हो चुकी है डिलीवरी। ईरान ने भारत को चबहार परियोजना से बाहर निकालने वाली रिपोर्ट से किया इनकार। और पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए चाइना ने बढ़ा दिया है JF-17 फाइटर्स के प्रोडक्शन को। जैसे कि हमने आपको अपनी आज सुबह वाली वीडियो में बताया था कि भारत और चीन के बीच कोर कमांडर्स लेवल की चौथी मीटिंग होने के बावजूद भी ऐसी रिपोर्ट्स निकल के सामने आई हैं जिसमें ये कहा गया है कि चीन ने फिंगर एरिया से पूरी तरीके से पीछे हटने से मना किया है। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। और अब इस रिपोर्ट के बाद कोर कमांडर्स लेवल की चौथी मीटिंग से संबंधित आज इंडियन आर्मी ने भी अपना एक औपचारिक रूप से बयान जारी किया है, जिसमें आर्मी का ये कहना है कि दोनों ही देश LEC पर डिसएंगेजमेंट के लिए कमिटेड है, लेकिन ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और इसके वेरिफिकेशन लगातार जरूरी हैं। और ऐसे में इस प्रक्रिया को डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर रेगुलर मीटिंग्स के माध्यम से आगे ले जाया जा रहा है। और इंडियन आर्मी के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद के मुताबिक 5 जुलाई को दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधि पूर्ण डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार हो गए थे और मंगलवार की मीटिंग उसी के अनुरूप ही आयोजित की गई थी। और यही वजह है कि दोनों देशों के कोर कमांडर्स ने पहले फेज के डिसएंगेजमेंट प्रोसेस की समीक्षा की और एक कंप्लीट डिसएंगेजमेंट के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने पर चर्चा की। और जबकि इस बुधवार को आर्मी चीफ ने सीनियर आर्मी कमांडर से तो आंतरिक बातचीत की ही थी और इसके साथ ही उन्होंने LEC से जुड़े सभी मुद्दों पर बने चाइना स्टडी ग्रुप को सारी स्थिति से भी अवगत कराया था। और इस चाइना स्टडी ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर रहे थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और इसमें उनके साथ कैबिनेट सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और IB के चीफ भी शामिल थे। और बता दें कि चाइना स्टडी ग्रुप LEC से जुड़े मुद्दों पर सरकार के एडवाइजर के तौर पर काम करती है और इनको इसके बारे में जानकारी देने के बाद ही गुरुवार को आर्मी ने कोर कमांडर लेवल की चौथी मीटिंग के बारे में आधिकारिक बयान जारी किया है। हालांकि आर्मी के आज के इस बयान में कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है जहां पर ये बताया गया हो कि चीन ने फिंगर एरिया से पूरी तरीके से पीछे हटने से मना किया है, लेकिन फिर भी कुछ सोर्सेज की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी भी ये मामला फिंगर एरिया को लेकर फंस रहा है। लेकिन इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में LEC के हालात को पूरी तरीके से सामान्य बनाने के लिए कुछ और मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल्स पर बातचीत की जाएंगी। और बाकी भारत तो अपनी तरफ से पूरी तरीके से स्पष्ट कर चुका है कि ये स्थिति पूरी तरीके से सामान्य तभी होगी जब यहाँ पे अप्रैल महीने के स्टेटस क्यू कंडीशन को मेंटेन किया जाएगा। लाइफ इज डिफेंस की तरफ से इस बात का कंफर्मेशन दिया गया है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए 83 LCA तेजस MK1A फाइटर्स की डील के लिए जो पेपर वर्क है वो पूरा हो चुका है और अब HAL के साथ औपचारिक रूप से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाने से पहले इसे भारत के वित्तीय मंत्रालय से फाइनल क्लियरेंस मिलना बाकी है और इस बात की पूरी संभावना है कि ये डील इस साल दिसंबर महीने से पहले साइन कर दी जाएगी। और साथ ही जब तक ये LCA तेजस MK1A फाइटर्स अपनी प्रोडक्शन लाइन पर आएंगे उनसे पहले इस प्रोडक्शन लाइन को FOC कॉन्फ़िगरेशन वाले 18 LCA MK1 फाइटर्स तैयार रखेंगे, क्योंकि 18 FOC कॉन्फ़िगरेशन वाले LCA MK1 ट्रेनर एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग को क्लीयरेंस देने के लिए इसका फाइनल रिव्यू चल रहा है। और जबकि लाइफ इज डिफेंस के साथ एक इंटरव्यू के दौरान भारत के टॉप मोस्ट एविएशन रिसर्चर अंगद सिंह का कहना था कि LCA तेजस फाइटर्स की जो प्रोडक्शन लाइन है उसे आइडल नहीं छोड़ना चाहिए और LCA MK2 के आने से पहले FOC कॉन्फ़िगरेशन वाले LCA तेजस फाइटर या फिर LCA MK1A फाइटर्स को एक्सपेंड किया जा सकता है। और उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान इस बात की पुष्टि की है कि जो LCA तेजस MK1A फाइटर है वो भी अपनी डिलीवरी के बेहद करीब है। और लाइफ इज के साथ आप उनका ये पूरा इंटरव्यू लाइफ इज डिफेंस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और जबकि इसी बीच इंडियन नेवी के लिए भी ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर पर काम शुरू हो गया है और इसी बीच ये भी रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि ADA की LCA टीम अब इंडियन नेवी के उन MiG-29 के फाइटर्स को भी एग्जामिन करेगी जो कि किसी न किसी कारण के चलते क्रैश हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि जो हमने अपने चैनल लोगो और चैनल आर्ट को बदलने के लिए एक कंपटीशन लॉन्च किया था, हमें इसमें आप सभी की तरफ से एक बेहतरीन और एक बेहद ही जबरदस्त रिस्पांस देखने को मिला है। और इसके लिए तो सबसे पहले हम आप सभी को धन्यवाद कहना चाहेंगे हमारे प्रति इतना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए। और बाकी हमने इन सारे रिस्पॉन्सेस में से टॉप 3 रिस्पॉन्सेस को सिलेक्ट किया है और वो टॉप 3 कौन है उनके बारे में हमने कम्युनिटी टैब में एक पोल लगाया है, आप वहाँ पे जाकर उस पोल पर अपना वोट जरूर दें। बुधवार को मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस श्रीपद नायक का कहना है कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में जिन डिफेंस कॉरिडोर्स को स्थापित किया गया है उनका मुख्य उद्देश्य है
डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर से संबंधित आइटम्स को स्वदेशी तौर पर भारत में प्रोड्यूस करना, ताकि भारत इंपोर्ट को कम कर सके और एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। और उनका ये भी कहना था कि हमारा उद्देश्य है 2025 तक डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में डोमेस्टिक प्रोडक्शन को $25 बिलियन तक पहुँचाना। हालांकि ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी हाल ही के 2-3 दिनों में जो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत अलग अलग तरह की खबरें सुनने को मिली हैं, जिसमें इंडियन आर्म फोर्सेस अलग अलग तरह के हथियार और इक्विपमेंट्स को खरीदने की प्रोसेस में है, इनमें से अधिकतर हथियारों और इक्विपमेंट्स को अभी भी दूसरे देशों से ही इम्पोर्ट किया जा रहा है। और इसलिए हमारे ओपिनियन में अगर भारत को सही मायनों में डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना है, तो हमें इसके बारे में कहने से ज्यादा करके दिखाने की जरूरत है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इन 2-3 दिनों में जिन जिन डिफेंस इक्विपमेंट्स को खरीदने की रिपोर्ट सामने आई है, उनमें से कई इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जिनका भारत के पास एक स्वदेशी ऑप्शन पहले से मौजूद है, लेकिन इन स्वदेशी ऑप्शन को चुना जाएगा या नहीं, इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। और बाकी आप समझ रहे होंगे कि हम इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। और इसके अलावा आपको एक जानकारी और दे दें कि भारत में रफेल फाइटर्स के स्पेयर्स और इंजन कंपोनेंट्स पहुंच गए हैं, और जबकि 27 जुलाई तक इन 5 रफेल फाइटर्स के भी भारत पहुंचने की पूरी उम्मीद है। भारत और रशिया अपनी ग्लोबल पार्टनरशिप के तहत एशिया और अफ्रीका में कई सारे जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को शुरू करेंगे, और साथ ही दोनों देश डिजिटल टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में भी बातचीत करेंगे। और ऐसा करने का प्रमुख उद्देश्य ये है कि संयुक्त रूप से स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को बनाया जाए, और साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के लिए वेंचर फंड्स को डेवलप किया जाए। और इसी बीच कुछ ऐसी रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें ये कहा गया है कि ईरान ने भारत को चबहार के महत्वपूर्ण रेल प्रोजेक्ट से हटाने का फैसला लिया है, और ईरान भारत के साथ इस चबहार लिंक रेलवे पर किसी भी तरह की डील साइन नहीं करना चाहता है। लेकिन इसी रिपोर्ट पर अल जजीरा की तरफ से एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें उन्होंने इन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए ये कहा है कि ईरान ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, और जो भारत को महत्वपूर्ण रेलवे प्रोजेक्ट से हटाने वाली बात है वो गलत है। और बाकी ये पूरा मामला स्पष्ट तभी हो पाएगा जब भारत सरकार की तरफ से औपचारिक रूप से इस पर कोई बयान जारी किया जाए, और तभी मालूम पड़ेगा कि क्या सच है और क्या झूठ। इंडियन आर्मी के बाद अब भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी भारत चीन डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पर एक स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें उनका ये कहना है कि भारत और चीन LAC के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर अपने रेगुलर पोस्ट की तरफ फिर से तैनाती करने के लिए सहमत हुए हैं। अब बस देखना यह है कि चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी इसको कितना फॉलो करती है, लेकिन फिंगर 4 वाले एरिया को लेकर इसमें भी कुछ स्पष्ट नहीं करा गया है। और जबकि चाइनीज नेवी को काउंटर करने के लिए जैपनीज नेवी ने भी अपनी सबमरीन फोर्स को 16 से 22 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। और इसी बीच एक रिपोर्ट ये भी निकल सामने आ रही है कि चाइना ने पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले JF-17 फाइटर के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है, और 2020 के पहले हाफ में जिस संख्या में JF-17 फाइटर्स को डिलीवर किया गया है, वो पिछले 5 सालों में डिलीवर किए गए फाइटर्स की तुलना में कहीं ज्यादा है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।